मॉर्निंग, आज है फ्राइडे का दिन और आज कौन सा डेट है? 19th है और सुबह का चाय हो चुका है। सुबह आज जिस दिन छुट्टी होता है जल्दी नींद खुल जाता है, जनरली जिस दिन कुछ काम रहता है तो नींद नहीं खुलेगा। और आज मैं तो 6:30 बजे नींद खुल गया, फिर मैं थोड़ी देर सो गई और आज बन रहा है इनके हाथ का स्पेशल पोहा। आज ब्रेकफास्ट, आज छुट्टी है तो छुट्टी में कुछ काम दिया गया है तो काम करेंगे। अगर कट रहा है पोहा का, आलू पोहा और सारा कुछ, और चाय हो चुका है और इधर शौर्य का पेंटिंग चालू है। शौर्य से हाय। तो आज के दिन की शुरुआत ऐसी ही है, आज सुबह सुबह पति के हाथ का पोहा खाएंगे और फिर थोड़ा सा मैं ड्राइव करने जाऊंगी और फिर देखते हैं जो जो जैसे जैसे होगा। आप मेरे साथ बने रहिए एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के लिए और प्लीज पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अच्छा लगेगा आपको कमेंट्स पढ़ने में। तो बने रहिए मेरे साथ। पोहा तो बन गया है, देखते हैं कैसा दिख रहा है। देखिए पोहा तो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, खाने में कैसा है ये देखा जाए, बड़ा सुंदर दिख रहा है। चलिए अच्छा बनाया, अच्छा बनाया। आपको अपना हाथ तो कैसा लगा? अच्छा। और जब भी ये पोहा बनाते हैं उसके ऊपर अंडा जरूर डालते हैं, पता नहीं एकदम ऐसा है कि पोहा बिना अंडा के खाते ही नहीं है ऐसा, मतलब पोहा बनेगा तो अंडा तो खाना ही है और अंडा ऊपर में डाल के ऐसे अपने कॉलेज का टाइम याद करते हैं ऐसा। बोलिए ना, थोड़ा बोलिए क्या। कॉलेज के टाइम से ही ऐसे ही है कि पोहा खाएंगे तो ऊपर में अंडा जरूर डालेंगे। पोच पोहा कहाँ का स्पेशल था? नागपुर, गोंदिया, महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र का स्पेशल था ऐसा, यादें जुड़ गई हैं। फिर हम लोग यहाँ पे स्विमिंग चले गए थे, हम लोग तीनों ने स्विमिंग किया, बड़ा मज़ा आया आज। मुझे देख के इनको भी मन करने लगा स्विमिंग करने का, क्योंकि मैं तो थोड़ा बहुत सीख चुकी हूँ, ये नहीं सीखे हैं तो ये भी मेरे साथ कर रहे थे और शौर्य को भी मज़ा आ रहा था मुझे देख के स्विमिंग कर रही हूँ मैं तो। अच्छा लगा, तीनों आदमी किए, ऐसे ही कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए जिससे आपको मन लगते रहे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग तीनों आदमी स्विमिंग गए थे, मतलब मज़ा ही आ गया आज। आज शौर्य भी गया और मुझे भी बहुत दिन हो गया था आज मैं गई, तो मेरा देखा देखी इनको भी मन करने लगा तो ये भी आज सीखे थोड़ा कुछ, फर्स्ट स्टेप फ्लोट करना ये हो। तो हम लोग तीनों आदमी आज किए, बड़ा ही मज़ा आया। ऑलमोस्ट 1 घंटा थोड़ा देर शौर्य किया, थोड़ा देर हम, थोड़ा देर ये किए और अब हम लोग फ्रेश हो गए नहा हुआ के तीनों आदमी, और थोड़ा सा भूख लग गया है क्योंकि हम लोग ब्रेकफास्ट करके गए थे थोड़ा बहुत, तो भूख लग गया है। तो अभी मैं बना रही हूँ मैगी हम लोग तीनों के लिए, तीनों हम लोग मैगी खाएंगे, फिर देखते हैं खाना का क्या करना है, खाना का भी देखना है। बट बड़ा मज़ा आया आज, बहुत दिन बाद स्विमिंग किया मैंने, मैं तो थोड़ा बहुत सीख चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे से सीखा नहीं है बट हाँ फ्लोट करना और थोड़ा स्विम करना ये सब सीख ली हूँ। आज शौर्य भी किया, बताएगा शौर्य। What did you do? Did you enjoy swimming? Yes. Tell, you like it? Yes. आज इसको भी बहुत मजा आया, हमको मुझे देख के तो उसको और अच्छा लग रहा था कि मम्मी भी कर रही है तो चलिए बनाते हैं। हेलो गाइस, तो लंच प्रिपेयर कर रहे हैं, आज लंच बनाएंगे बहुत ही शानदार, बहुत ही टेस्टी वाला, और वो है आज हम बनाएंगे तहरी। तहरी बहुत लोगों को शायद पता होगा, जिसमें ऐसा खिचड़ी, वो मतलब पुलाव टाइप खिचड़ी होता है जिसमें दाल नहीं पड़ता है, सिर्फ चावल और गरम मसाला और सब्जियों से बनता है। तो बनाएंगे आज हम तहरी।
तो तहरी बनाने के लिए सबसे पहले मैं कुकर में ही बनाती हूँ, तो सबसे पहले तेल में थोड़ा सा सहजीरा डालेंगे, थोड़ा कटा हुआ प्याज, थोड़ा मिर्ची और एक छोटी इलायची और दो तीन दालचीनी। तो ये सब हम फ़ौरन में डालेंगे। हाँ, एक आध लौंग भी डाल सकते हैं और एक आध गोल मिर्च, ये सब डाल देंगे तेल में। फिर इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, फिर कटा हुआ प्याज जो है इसमें डाल देंगे, सब चीज़ फ्राई होगा। उसके बाद इसमें नमक डाल देंगे। तो थोड़ा देर जब प्याज पक जाएगा तो हमने जो सारी सब्जियां काटी हैं, आपके ऊपर है कि आप कौन सी सब्जी डालना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे टमाटर, आलू, शिमला मिर्च और यही तीन सब्जी मैं मेरे पास थी तो मैंने यही तीन डाली। और हाँ, इसमें सोयाबीन भी पड़ता है तो थोड़ा सा सोयाबीन चंक्स जो होते हैं ना उसको भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारा सब कुछ डाल दिया है। और इसमें मसाला डालेंगे हम, हल्दी, नमक, गरम मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर और बस यही सब मसाला से ये बन जाएगी। जब थोड़ा सब्जी ये जो है ये पक जाएगा तो हमने जो चावल को भिगो के रखा था वो चावल को हम इसमें डाल देंगे। तो उसके बाद हम थोड़ा पानी डाल के, आपके अंदाजन पानी डाल के, इसको मैंने एक सीटी लगाया था क्योंकि एक सीटी में आराम से पक जाएगा। तो ये देखिए यहाँ चावल डाल दिया है, अब इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फ्राई करके इसमें अपने हिसाब से आप पानी डाल दीजिए, आपको कितना पतला कितना। तो मैं तो थोड़ा एक गिलास ही पानी डाली थी, तो इसमें पानी डाल के इसको ढक के एक सीटी होने के लिए छोड़ देना है और बस इतना ही प्रोसेस है, ये बन जाएगा। तो मैं इसके साथ जनरली दही, रायता या कुछ भी ऐसे दही का कुछ एक आइटम बनाती हूँ क्योंकि ये सादा ना लगे। तो इसके साथ दही का रायता, बूंदी का रायता, मतलब कोई भी चीज़ का रायता आप खा सकते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा जल्दी बनता है। तो खाना वाना हो गया हम लोग का, अभी खाया, अभी 3 बज रहा है, इतना देर से भूख ही नहीं लग रहा था, इतना सारा कुछ खा लिया था हमने और बहुत अच्छा बना था ये, क्या बोलते हैं, तहरी, बहुत टेस्टी बना था, खाया हम लोग सब ने। और अब बर्तन धोना है, बर्तन वगैरह धोएंगे, फिर देखते हैं क्या करते हैं, शाम में कहीं अगर गए तो गए, तो फिलहाल तो बर्तन धो लेते हैं। बर्तन धोना है, बहुत बर्तन हो गया है, सुबह का ब्रेकफास्ट का ही बर्तन नहीं धोया था, तो अब धोएंगे बर्तन। तो मिलते हैं आपसे। स्विमिंग करने के बाद ना ऐसा नींद आता है, हम लोग खा के ऐसा सोए तीनों आदमी, मतलब इतना अच्छा नींद आता है ना स्विमिंग करने के बाद, और भूख लगती है, तो हम लोग तीनों सो गए थे। अभी तो शाम हो गया है, हम लोग चाय बना रहे हैं, चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे, बहुत देर सो गए थे, नींद आ गया था, बहुत अच्छा नींद आ जाता है ना। ये शौर्य भी सो गया था, हम भी सो गए थे, ये भी सो गए थे। अभी बज रहा है 7, तो चाय बना रहे हैं, चाय पियेंगे और फिर देखते हैं क्या करेंगे। फिश लेके आए हैं, अभी न्यू फिश इसमें डालेंगे, 4 pairs और लाए हम लोग। तो एक प्लांट भी लेके आए हैं, ब्लैक फिश प्लांट। हेलो गाइस, तो हम लोग शाम में थोड़ा गए थे 3 pair मछली और लेने और एक प्लांट लेने। तो अभी हम लोग के एक्वेरियम में ऑलमोस्ट आई थिंक 14 या 15 मछली है, तो वो तो लेके आ गए और अब खाना बनाएंगे। आज के डिनर में सोचा है कद्दू का सब्जी बना रही हूँ, रोटी और प्लेन वाला कद्दू, एकदम हल्दी
मिर्ची वाला, और बस ये। देख के अच्छा लगता है और मतलब मन खुश हो जाता है मछली को देख के, अच्छा लगता है, बड़ा प्यारा लगता है। और अब घंटों देखते रहिए मतलब आपका मन बोर नहीं होगी, मतलब अच्छा लगता है। तो नेचर है ना, नेचर को से कभी मन नहीं उठता है किसी का, बड़ा बढ़िया। तो फिलहाल तो मैं सब्जी बना लूँ, रोटी बना लूँ फिर, और आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और तब तक के लिए बाय।